महबूबा सूफगंज। अभी हम बरना पंचायत में हैं और बरना पंचायत में आज बरना पंचायत की मुखिया के द्वारा झंडोत्तोलन किया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 के इस शुभ घड़ी को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था इसको एक झंडोत्तोलन के साथ और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम जितने भी देशवासी हैं आज हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और बरना पंचायत की मुखिया के द्वारा भी ये 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे बीच है बरना पंचायत की मुखिया आशा देवी, आइए इनसे जानते हैं ये क्या बताना चाहेंगे आज। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि शहर से चलकर मेरे पंचायत में पहुँचे हैं। आज बाल गवाह गणतंत्र दिवस है तो अपना सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज एक दिन हमारा देश संविधान लागू हुआ था तो इस खुशी में हम लोग इकट्ठे हुए हैं अपने झंडे को सलामी देने के लिए। और जहाँ तक मेरे पंचायत का बात है कि लोग कहते हैं कि पंचायत में काम नहीं किए, एक से लेकर 15 वार्ड तक है जो हमारे वार्ड में सभी वार्ड में काम हुआ है। जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ कुछ दिक्कत है, जो जगह लोग नहीं दे रहे तो हम कहाँ कर से काम करेंगे। तो नली नहीं बना है कोई कहता है, गली नहीं बना है तो किसी वोट वोट नहीं ना कोई काम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी ही सुंदर तरीके से विकास अग्रसर है मुखिया आशा देवी और 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस मना रही है और तमाम धूमधाम से अपने पंचायत के तमाम लोगों को बुलाकर आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पे जो धूमधड़ाके से ये झंडोत्तोलन कर रहे काफ़ी शानदार रहा। आइए मुखिया प्रतिनिधि कमेश्वर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप समृद्धि न्यूज को आप हमारे आरा से चलकर इस पंचायत में बरना पंचायत में पधारे हैं और नए वर्ष की शुभकामना देते हैं और आप इस गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी 1950 में आज ही के दिन भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान लागू किए थे, जो संविधान के हम लोग 1947 में देश आज़ाद हुआ था। आज का दिन हमारे देश का संविधान जो कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू ये सभी हमारे और वल्लभ भाई पटेल सभी हमारे ये साथ देकर का हम लोग का इस तिरंगा को फहराने का कायम किया है। मैं उनको भी चरण पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे बड़े भाई प्रखंड प्रमुख उवैस जी पधारे हैं, हमारे थाना अध्यक्ष इंदु भूषण जी पधारे हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग एकत्र होकर के झंडा तोलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इस हम लोग 26 जनवरी के अवसर पर इसको धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और हम लोग एकत्र होने के लिए पूरे पंचायत वासियों को सभी मिलजुल कर हम लोग एक साथ झंडा तोलन का कार्यक्रम अच्छा जानना चाहेंगे। आप जुझारू नेता कहे जाते हैं, अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं, प्रतिनिधि होने के नाते बनाते आपके जो बहुत बड़ा जब आप दिल्ली और बीमारी बनते हैं अपनी पंचायत का देख करना और पंचायत को सुंदर और आदर्श बनना जानना चाहेंगे कि अभी आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है जहाँ देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आप अपनी पंचायत के लिए आज क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे? आज हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग इस पंचायत को हम लोग चाहेंगे कि मांगे माननीय डीएम साहब से और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि इस पंचायत को आदर्श घोषित किया जाए। इस पंचायत के लिए हम लोग एकत्रबद्ध होंगे, हम लोग सभी एकजुट मिल करके काम करने के लिए और हम लोग ये सरकार की जो जल जीवन हरियाली अभियान चल रही है पेड़ पौधों के लिए हम लोग एकत्र होकर के काम करने का कामयाब रखेंगे, हम लोग विकास करने के लिए आगे बढ़े हैं और आगे रखने के लिए करेंगे। इसलिए पंचायत को हम अपने वाणी करते हैं, जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच यहाँ के आज लोग पूरे भारतवर्ष में अपने थाना क्षेत्र तथा बरना पंचायत ये 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ के तमाम निवासियों को बहुत अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका भविष्य उज्ज्वल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा अभी तमाम पंचायत के लोग यहाँ पे एकत्रित थे और बरना पंचायत शुरू से ही अपने आप में अनोखा एक्टिविटी के लिए जाना जाता है और मैं आपको बताऊं कि हर साल की भांति इस बार भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
जो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो इस अवसर पर हमेशा यहाँ के मुख्य प्रतिनिधि कमिश्नर सिंह के द्वारा धूमधाम से झंडोत्तोलन होता है, जलेबियाँ बांटी जाती है। आप देख रहे हैं उधर जलेबी बट रहा है, लोग खा रहे हैं और पंचायत के लोग यहाँ एकत्रित है। तो हमारे बीच प्रखंड प्रमुख है, आइए इनसे बात करते हैं। मुकेश जी से ये क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज? स्वागत है। क्या सर्वप्रथम आज महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके समृद्धि चैनल के जो आए हैं हमारे यहाँ हमारे पंचायत में, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इस प्रखंड प्रमुख के नाते, इस पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते, मैं अपने समस्त पंचायत वासियों को, अपने प्रखंड वासियों को अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस तरह से महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में, बिहार से लेकर अपने पंचायत से लेकर पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी लोग आज अपने हर जगह पर, जहां सरकारी जगह है या अपने घरों में, या सब लोग धूमधाम से आज महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का आज जो संविधान जो लागू हुआ था, उनके सपनों को साकार हुआ था, जो आज देश उसी संविधान पर हम लोग सभी लोग चल रहे हैं, अग्रसर हैं। मैं सब लोग को अपनी तरफ से, अपने प्रखंड की ओर से, अपने पंचायत की ओर से सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मुकेश जी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं, और हमेशा जब 26 जनवरी की बात की जाए या 15 अगस्त की बात की जाए, बरौना पंचायत पे आना इनका अनिवार्य हो जाता है। यहाँ के पंचायत के लोगों को ये बहुत मानते हैं। खासतौर पर यदि बात की जाए मुखिया प्रतिनिधि कमेश्वर सिंह जी का व्यवहार जो है, हमेशा ये प्रयास करते हैं कि सारे लोगों को एकजुट होकर लेके चले। जी, मैं यही का प्रतिनिधि हूँ। बरौना पंचायत से ही हम पंचायत समिति बनने के बाद पंचायत के प्रखंड के प्रमुख बना हूँ, इसलिए खासकर मैं इस पंचायत के, बरौना पंचायत के लगाव रहता है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें दूसरे पंचायत से आकर इस पंचायत में मौका दिया, सेवा और विकास करने का मौका दिया। और मैं अपने से प्रमुख होने के नाते इस पंचायत को कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ता हूं, विकास के माध्यम से, चाहे जिस क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, रोड गली नली का विकास हो, मैंने इस पंचायत को भरपूर विकास करने का काम किया है। और इस भोजपुर के मानचित्र पर बरौना पंचायत को मैंने सबसे आगे रखने का काम किया है, और इस पंचायत के हर गली नली, एक भी ऐसा गली नली नहीं है जहाँ के अधूरा है, हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। और जो बचा खुचा छुटा हुआ होगा उसको भी हम लोग चुनाव आते आते हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, यही मैं संदेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बरौना पंचायत को शीर्ष पटल पर रखने के लिए, आदर्श पंचायत बनाने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं प्रखंड प्रमुख मुकेश जी, और हमेशा से शुरू से ही लगे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ की तमाम आम लोग, यहाँ के इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं, इन्होंने भी एक शानदार मैसेज दिया तमाम 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस पर। प्रखंड के हमारे चैनल की तरफ से भी हार्दिक प्रमुख मुकेश जी।